नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू मिनी व्लॉग में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम हैं महाराष्ट्र के सावदा में जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी पर। देखिए वो है सामने और आज हमारी गाड़ी भरने नहीं गई। ऐसा नहीं है कि मंदा है और गाड़ियाँ ज़्यादा, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन माल ही नहीं है। अब आपने पिछले व्लॉग में कहीं देखा होगा कि 10 दिन तो हमारी गाड़ी अभी यूपी में ही खड़ी रही थी और वहाँ खड़े होने के बाद यहाँ रेट चल रहे थे करीब 50,000-55,000 और अभी रेट भी आगे 45,000। तो जब उधर से भरी तो इधर मंदा आ गया भाई। पता नहीं हमारा नसीब खराब चल रहा है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी कर ही जा सकते हैं, फिर कल का वेट करते हैं। और यहाँ 2 दिन से बारिश ज़्यादा हो रही थी तो बारिश के कारण यहाँ पर खेतों में पानी भर जाता है, उस चक्कर में गाड़ी भरने कम जा रही है। तो वही रीज़न है, 6 चक्का तो जा रही है क्योंकि वो स्लिप व्लिप नहीं करती हैं। तो अभी देखिए 9 बज गए करीब, 9:10 हो रही हैं अभी। 9 बज गए अभी तक उनकी नींद पूरी नहीं हुई। वो 9 बजे ही सोए थे रात को, या 9 बजे आए थे ना हम रात को, 9 बजे ये लोग सो गए थे और हम वीडियो एडिट करी अपलोड करी 11 बजे सोए थे तो 6 बजे उठ गए। माल वाल वहाँ देख रहे हैं बैठ के, कोई मुला नहीं। तो ये होती है एक चिंता वाली बात और जिम्मेदारी वाली बात। तो ये लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती भाई। अब क्या ही दूसरे की तो कह सकते हैं, लेकिन डेली इंसान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इससे इंसान की ग्रो होती है। तो चलिए दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद खाना बनाएंगे। तो अभी टाइम हो गया 11 बजे का, तो हम बैठे हुए तो हमने सोचा खाना पीना बना लेते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं आज दाल, देख सकते हैं अरेड़ की दाल बना रहे हैं। तो इधर कुकर पे पानी चढ़ा दिया, अभी इसको गर्म होने के बाद इसको डाल देंगे। और आज भाई गाड़ी लोडिंग पर जाने वाली थी, अभी भी 1 घंटे पहले भी बोल रहा था कि जाएगी जाएगी, लेकिन गई नहीं। वही माल अब कल भरेगा क्योंकि लेबर वगैरह फिर लेट हो जाती तो मिलती नहीं है। तो चलिए अब वेट करते हैं खाना बना के, फिर नहाना धोना करेंगे, कल भी नहीं नहा पाए थे। दोस्तों दाल बनाते टाइम एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो आप झाग से देख रहे हो ना, इनको जरूर निकाल दिया करें कुकर बंद करने से पहले। ये निकलने के बाद में आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये एक तरह का केमिकल या वो मान लीजिए इस पर पॉलिश जो होती है उस चीज़ का निकलता है। नीचे उतार दिया है, अब जाना तड़का लगाने के लिए। तो हमारा तड़का तैयार हो चुका है, जा रहा है मसाले डालने के लिए। देखिए सारे मसाले डाल दिए हैं और इसमें से ही पानी ले लेंगे हम हल्का सा दाल वाला। हमारा दाल ना बाकी में बहुत अच्छा बना है, ना पानी अलग है ना दाल अलग है, एकदम मस्त। दोस्तों अपनी रोटी भी बन गई और हमारी गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। ये सिलेंडर भी उल्टा करके रख दिया है। तो अभी जा रहा है भाई हम नहाने के लिए, नहाने में अपनी सेविंग वगैरह भी करेंगे। तो ये बॉक्स ले लिया सेविंग बॉक्स, तो चलो फिर नहाने चलते हैं। दोस्तों नहाने के बाद आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पर अपना खा रहे हैं खाना। खाना खा के मुझे सिटी की तरफ 1-2 किलोमीटर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, ना जियो का है ना एयरटेल का है। तो कल का ब्लॉग अभी तक मेरा अपलोड नहीं हुआ, आज रात को उसको फिर मैं पब्लिश करूंगा। तो चलो फिर खाना खा के और यहाँ से निकलते हैं सिटी के लिए। दोस्तों रात हो गया और आज का ब्लॉग तो हमारा लेट अपलोड हुआ ही था, तो अभी हमने शाम का खाना बना लिया है। तो खाने में आज हमने फिर वो सुबह वाली दाल ले ली है, इधर राइस बॉइल कर लिए, इधर सुबह की कुछ रोटियां बची हैं, इधर हमने दूध ले लिया है। तो बस आज का खाना यही है, खाना खा के सो जाएंगे। सुबह अगर देखेंगे लोडिंग का क्या होता है, बारिश तो अभी भी बंद नहीं है, हल्की हल्की गिर रही है। लेकिन दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ खास तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। तो जैसा भी लगा हो आपको, आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।